तो क्या आप भी अपनी कश्मीर ट्रिप प्लान कर रहे हैं एंड कंफ्यूज्ड है कि कहाँ कहाँ जाए, कौन कौन सी जगह सेफ है, हाउस बोट जैसी जगह वर्थ है या नहीं, एंड कौन कौन सी वैलीज को आप मिस नहीं कर सकते इस ट्रिप पे? तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर वे में बताने वाली हूँ कि आप कश्मीर कैसे पहुँच सकते हैं, बेस्ट टाइम कौन सा होता है, विंटर और समर्स में क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, कौन कौन सी वैलीज आपको ज़रूर से जाना चाहिए, स्टेज कहाँ ले सकते हैं, वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस कहाँ देख सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलेगा एंड बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि आप कोई भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाए। तो चलिए चलते हैं और अपने फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपने पॉइंटर पे आते हैं, जिसका नाम है हाउ टू रीच श्रीनगर। सो श्रीनगर पहुंचने के बेसिकली 3 से 4 रास्ते हैं। आप दिल्ली से बस में जा सकते हैं, आप फ्लाइट से जा सकते हैं डायरेक्टली। फ्लाइट्स बहुत ही लिमिटेड होती है, डायरेक्ट बेसिकली दिल्ली से आपको मिलेगी। आप ट्रेन से भी जा सकते हैं जम्मू तक, एंड देन वहाँ से आप जा सकते हैं टुवर्ड्स श्रीनगर। सो ये सारे रास्ते हैं, बट हम लोगों ने रोड ट्रिप की थी फ्रॉम जयपुर टू श्रीनगर की, जो कि हमें पड़ी थी करीबन 2 दिन की, बिकॉज हमने पहला स्टॉप लिया था अमृतसर में, एंड नेक्स्ट डे हम निकले थे अमृतसर से श्रीनगर के लिए। अमृतसर से जब श्रीनगर की तरफ रोड ट्रिप कर रहे हैं, आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। बेसिकली वहाँ पर जैसे आप पटनी टॉप से पहले के आपके जितने टनल्स आते हैं, वहाँ पर हम लोग 10 घंटे के जाम में फंसे थे। और बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस एंड सिचुएशंस होती है जिसमें हम जाते और आते दोनों टाइम फंसे रहे ट्रैफिक में। तो ये बहुत, और कोई रीज़न भी नहीं पता चला कि वो लैंडस्लाइड थी या क्या। तो आप जब भी रोड ट्रिप करें, इन पॉइंट्स का ज़रूर ध्यान रखें, बिकॉज वो ट्रिप आपकी यादगार तो बननी चाहिए बट अच्छे वे में। एंड ये पॉइंटर एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट था अगर आप रोड से जा रहे हैं। अब हम चलते अपने दूसरे पॉइंटर पर, विच इज़ द बेस्ट सीज़न। तो कश्मीर हालांकि जन्नत है, बट हर सीज़न के अपने लुफ्त है। तो अगर आप कश्मीर में समर्स एंजॉय करना चाहते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्राउडेड भी होता है, तो आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों का फ़ायदा बता देती हूँ। सबसे पहले चीज़, समर्स आपके मोस्टली अप्रैल से स्टार्ट होते हैं, एंड अप्रैल 2nd या 3rd वीक में आपको ट्यूलिप सीज़न भी मिलता है। तो अगर आप ट्यूलिप्स देखना चाहते हैं कश्मीर में, सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट दैट प्लेस। एंड उसी के साथ साथ अगर आप और पीक पे जाना चाहते हैं समर्स में, जब छुट्टियाँ होती है, मई जून दोज आर ऑल्सो गुड मंथ्स, बट जैसे जैसे जुलाई और अगस्त शुरू हो जाता है, तब इशू आ जाता है कि थोड़ा वेदर कंडीशंस और बारिश होने के चांसेस होते हैं। सो जुलाई से सितंबर का मंथ थोड़ा डाइसी रहता है। देन अक्टूबर आ जाता है हमारा ऑटम सीजन इन कश्मीर, एंड श्रीनगर के पास ऐसे बहुत सारे डिफरेंट पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप ब्यूटिफुल ऑटम एक्सपीरियंस कर सकते हो। वो पतझड़ के पेड़ हैं, वो पूरा एरिया आपको उस कलर में मिलेगा। एंड फिर आता है मेरा बेस्ट सीजन कश्मीर जाने का, विच इज़ द विंटर्स। मैं 3 साल से कश्मीर विंटर्स में विजिट करी थी, एंड ट्रस्ट मी, इट्स मोर देन गॉर्जियस। अगर आपको स्कीइंग जैसे स्पोर्ट पसंद है, स्नो में खेलना पसंद है, तो हालांकि सिर्फ श्रीनगर से 1 से 1.5 घंटे में आप उन स्नोई पॉइंट्स पे पहुंच सकते हैं एंड अपनी लाइफ की सबसे ज़्यादा स्नो देख सकते हैं। सो मौसम एंड रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अपना सीज़न चूज़ कीजिए एंड इन्जॉय कीजिए, बट हर सीज़न के अपने प्रोज एंड कॉन्स अटैच्ड है। अगर आप ठंड में प्लान कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ों को और ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो कार्स ले रहे हैं वो 4x4 होना चाहिए, एंड बहुत ईजिली आपको सारे ट्रांसपोर्टेशन नहीं अवेलेबल होते हैं। प्राइजेस थोड़ी हाई भी हो जाती है, बट कुछ जगह की थोड़ी लो भी हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। नेक्स्ट चीज़ है आपकी कनेक्टिविटी। तो कि कश्मीर में बहुत कन्फ्यूजन है चीज़ों को लेकर कि कौन सी सिम चलती है कौन सी नहीं, तो मैं बता दूँ कि वहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड सिम कार्ड आपके वर्क करेंगे। अगर आप बाहर से आ रहे हैं, तो या तो आप वहाँ आकर अपनी प्रीपेड सिम ले लीजिए, या आप अपना कनेक्शन पोस्टपेड में कन्वर्ट करा लीजिए। और अगर बात की जाए नेटवर्क कनेक्टिविटी की, तो श्रीनगर जैसी सिटीज़ में और जब आप गुलमर्ग एंड पहलगाम जाते हो, आपको डिसेंट इंटरनेट मिल जाएगा। बट जैसे आप थोड़े रिमोट एरियाज़ में जाते हो, जैसे गुरेज वैली में जो मेन दावर विलेज है जहाँ जब रुकते हैं लोग, वो बहुत बढ़िया इंटरनेट था, बट उसके अलावा आपको रिमोट एरियाज़ में नेटवर्क नहीं मिलेगा। एंड सिम्स में आप BSNL, जियो या एयरटेल भी ले सकते हैं। गुरेज में अब एयरटेल भी वर्क करता है पोस्टपेड सिम। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे, विच इज़ आइटनरी ऑफ योर कश्मीर ट्रिप। आइटनरी की बात की जाए, तो कश्मीर आकर लोगों के पास 2 से 3 जगह हमेशा अपने दिमाग में होती है। गुलमर्ग जाना है, पहलगाम जाना है, सोनमर्ग जाना है। ये एक आइटनरी है जो सब आपको ट्रैवल एजेंट से लेकर सबको यही फॉलो करवाते हैं, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी
चीज़ का आप ध्यान रख के ट्राई कर सकते हो। सो बेसिकली कश्मीर में आपके पास कितने दिन है उस पर बहुत डिपेंड करेगी आपका आइटनरी। आपको कम से कम आप फर्स्ट डे कश्मीर आ रहे हो तो आपको एक दिन तो कम से कम श्रीनगर को देना ही चाहिए। श्रीनगर के उस एक दिन में आप जितने भी मुगल गार्डन है वो विजिट कर सकते हैं, शंकराचार्य टेम्पल जा सकते हैं, टेम्पल के साथ साथ उस हाइट से पूरी श्रीनगर सिटी को देखना बहुत खूबसूरत हो जाता है। वहाँ पर आप डिफरेंट कैफेज भी ट्राई कर सकते हैं जिससे मैं आपको आगे अपने सेक्शन में बताऊँगी। उसी के साथ साथ आप श्रीनगर में दल लेक पर इंजॉय कर सकते हैं, आप राइड ले सकते हैं शिकारा की, या आप हाउस बोट में भी रुक सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखें कि अगर आप वो एक दिन में हाउस बोट पर भी जा रहे हैं एंड ये सारे पॉइंट्स कवर करना चाह रहे हैं तब थोड़ी दिक्कत होगी आपको आने जाने में। तो हाउस बोट अगर आप चूज़ करें तो एक दिन और एक्स्ट्रा रखिए एंड बाकी पहले दिन आप थोड़ी साइट सीइंग कर लीजिए श्रीनगर की। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि और कौन कौन सी आप कवर कर सकते हैं पॉइंट श्रीनगर से। पहली चीज़ है गुलमर्ग। वन डे ट्रिप है, 1.5 से 2 घंटे में आप पहुँच जाते हैं। सुबह सुबह जल्दी जाइए ताकि आप वो पूरा क्राउडेड एरिया आप आराम से बाईपास कर जाएँ। एंड सेकेंड चीज़ कि गुलमर्ग में अपने जब भी आप गंडोला राइड के अगर पर्पज से जा रहे हैं तो अर्ली मॉर्निंग स्लॉट्स बुक कीजिए, वो बहुत सही रहता है एंड कम भीड़ में आपका काम हो जाता है। जब पूरी दुनिया वहाँ होती है आप वापस भी आ चुके होते हो। तो अगर आप सुबह 8 या 9 बजे का अर्ली मॉर्निंग आपको गुलमर्ग का मिला है तो आप 3-4 बजे तक आराम से सारी जगह घूम के वापस आ जाओगे। वन डे ट्रिप टू गुलमर्ग। गुलमर्ग में ये सारे पॉइंट्स जो आप कवर कर सकते हो, मंदिर है, फेज़ 1 फेज़ 2 डिपेंड करेगा आपकी कौन से फेज़ पर जा रहे हो। एंड फॉर गंडोला राइड अगर आप ठंड में जा रहे हो तो यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट पीक्स होंगी जहाँ पर जाके आप स्कीइंग इंजॉय कर सकते हो, या थोड़ा बहुत अगर आप बिगनर हो तो ट्राई भी कर सकते हो। स्लेजिंग होती है एंड बहुत सारी स्नो एक्टिविटीज़ होती है। तो गुलमर्ग इज़ दी हब ऑफ ऑल द स्नोई एक्टिविटीज़ इन कश्मीर, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पहलगाम की। तो अगर आप पहलगाम जा रहे हो तो आप एक दिन का ट्रिप भी कर सकते हैं। सुबह निकलेंगे तो 2.5 घंटे में आप पहुँच जाएंगे पहलगाम एंड वहाँ पर आप अरू वैली जा सकते हैं, फेमस बेताब वैली जा सकते हैं। अगर आपके पास और टाइम है तो आप बायसरन और चंदन वैली भी जा सकते एंड वापस आ सकते हैं श्रीनगर। नहीं तो पहलगाम जा रहे हो तो आई विल रिकमेंड कि आप एक दिन वहाँ रुक सकते हो एक अच्छी प्रॉपर्टी लेकर। अगर आपको स्टेज का इशू लग रहा है कि आपको बहुत एक्सपेंसिव होटल्स लग रहे हैं तो इन सब के साथ साथ आप JKDTC की वेबसाइट पर जाकर भी कॉटेजेस बुक कर सकते हो एंड बहुत ही रीजनेबल रेट्स एंड थ्रू आउट द ईयर आपको सेम प्राइस मिलती है उन स्टेज में। तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया डील होगी अगर आप एक बजट में अच्छा स्टे देखना चाह रहे हैं। इसी के साथ अब हम बात करते हैं गुरेज वैली की। ये वन ऑफ द मोस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन है एंड इसका रास्ता श्रीनगर से 5 से 6 घंटे का है। उसमें से आपको लास्ट का करीबन 20-30 किलोमीटर तो काफ़ी रफ पैच भी मिलेगा, बट जो नज़ारे हैं मेरे पास शब्द नहीं है उस खूबसूरती को बयान करने के। मैंने गुरेज वैली पे अपना पूरा ब्लॉग बना रखा है, आप उसको जाके देख सकते हैं कि और डिटेल में रास्ते आपको कैसे कौन कौन से पॉइंट्स जा सकते हो। स्टार्टिंग में आप गुरेज वैली में राजदान पास, फिर आप दावर विलेज रुक सकते हो, वहाँ से हबा खातून पीक, तुलेल वैली, तो ये सारे पॉइंट्स आप गुरेज वैली में जाकर कवर कर सकते हो। गुरेज के साथ साथ अगर आप और ऑफबीट डेस्टिनेशन जाना चाहते हो तो आप बंगस वैली भी जा सकते हैं। ये 125 से 130 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से एंड 4 से 5 घंटा आपको मैक्सिमम लगता है यहाँ पहुँचने के लिए। यहाँ के रास्ते कंपेरेटिवली गुरेज से बेटर है। तो बंगस वैली पहुँच कर आप साधना पास व्यू पॉइंट जा सकते हैं, लोलाब और सीमाब वैली जा सकते हैं। ये सारी जगह ही बहुत सुंदर है अगर आप बंगस वैली जा रहे हैं। बंगस वैली के साथ साथ आप जा सकते हैं सोनमर्ग, जो श्रीनगर से 2.5 से 3 घंटा दूर है। यहाँ पर आप जोजीला पास, गंगबल एंड बहुत सारे डिफरेंट लेक्स देख सकते हैं। अगर आप अमरनाथ यात्रा भी करना चाहते हैं तो ये सोनमर्ग से होते हुए ही जाती है एंड बहुत सारे डिफरेंट लेक्स है। अगर आप ट्रैक में इंटरेस्टेड है तो भी काफ़ी सारे ट्रैक्स यहाँ से शुरू होते हैं। तो इसी के साथ आप सोनमर्ग की भी डे ट्रिप आराम से कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप श्रीनगर को सेंटर में रख के कवर कर सकते हैं। तो आप अपने दिन एंड अपनी चॉइस एंड ऑफ बीट या पॉपुलर डेस्टिनेशन के हमंग चूज करके अपनी परफेक्ट आइटनरी बना सकते हैं। फर्स्ट डे श्रीनगर को देकर सेकंड, थर्ड, फोर्थ डे आप चूज कर सकते हैं गुलमर्ग या पहलगाम या सोनमर्ग एंड 2 दिन मिनिमम या तो आप बंगस को दीजिए या फिर गुरेज वैली को दीजिए। अब हम चलते अपने नेक्स्ट पॉइंट पे विच इज स्टेज इन कश्मीर। तो कश्मीर में आप बहुत ही डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्टेज का एक्सपीरियंस कर सकते हो। सबसे पहले पॉइंट है हाउस बोट्स का। हाउस बोट एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल सी चीज़ है, बहुत लोग इसके फेवर में नहीं रहते हैं कि बहुत स्टैटिक रहती है, गंदा पानी रहता है, सैनिटाइजेशन के हिसाब से
से सही नहीं रहती है, बट कई लोगों का एक ड्रीम होता है हाउस बोट में एक नाइट एटलीस्ट स्पेंड करना। हाउस बोट खुद में एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है एंड अगर आप वहाँ रुकना चाहते हैं आई विल से एक दिन काफ़ी होगा आपको उसका लुफ्त उठाने के लिए, कंसिडरिंग आप वैसे भी सिटी में जा नहीं सकते हैं एक बार आपने वहाँ चेक इन कर लिया। तो एक दिन में आप अपनी प्रॉपर्टी में, डिपेंड करता है आप कौन सी हाउस बोट चूज़ कर रहे हैं, अगर आपने नॉर्मल मिडिल रेंज की है तो काफ़ी छोटी होती है एंड लिटरली छोटी सी बैल्कनी होती है जहाँ पे आपको शाम के टाइम पे तो आधे टाइम मच्छर ही खाते रहेंगे ट्रस्ट में। तो अगर आप बड़ी हाउस बोट चूज़ करते हो और वो भी स्पेशली नागिन लेक में अगर आप हाउस बोट पर रुकते हो तो वो काफ़ी लग्जूरियस होती है। तो डिपेंड करता है कि आप हाउस बोट पहले तो कौन सी चूज़ कर रहे हो एंड एक दिन आई थिंक सफिशेंट होगा। तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी वो सारे हाउस बोट के डिफरेंट लिंक्स जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। सेकेंड चीज़ आती है होटल। अगर आप लिटरली एक बजट ट्रैवलर और हॉस्टल देख रहे हो तो श्रीनगर में आपको जोस्टल नाम का हॉस्टल मिलेगा एंड काफ़ी बढ़िया फैसिलिटीज़ के साथ। हम लोग फर्स्ट टाइम जोस्टल में रुके थे एंड आप जितना एक्सपेक्ट करते हो हॉस्टल से उससे ज़्यादा आपको वहाँ मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं एयरबिनबीज पे। होटल्स तो है ही ओवररेटेड क्योंकि आपको पीक सीजन पे इतनी हाई रेट्स एंड उसके बदले में जो फैसिलिटीज़ है वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं मिलेगी। स्टिल मैं आपको कुछ होटल के नाम बता देती हूँ जहाँ पर आप जा सकते हैं, बट मेरे बाय फार द मोस्ट फेवरेट टाइप ऑफ स्टेज है वो है वहाँ के एयरबीएनबीज, स्पेशली श्रीनगर के आल से, बिकॉज इतने कोजी होते हैं, बड़े बड़े विलाज होते हैं स्पेशली। तो अगर आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, चार पांच लोग हैं तो आप एक ही जगह आराम से रुक सकते हैं, बढ़िया आपका लॉन होगा, बहुत बढ़िया हॉल होगा, तो आपको एडिशनल चीज़ें मिलती है। बस हाँ, अब आपको खाने और उसकी फैसिलिटी में सेल्फ ऑर्डर करना पड़ता है या जाके खाना पड़ता है, ये थोड़े से डिसएडवांटेज है। छोटी मोटी चीज़ें आप वहाँ से ऑर्डर कर सकते हो। मैं ये दो टाइप के एयरबीएनबीज में रुकी थी, मैं इनका आपको नाम एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता दूंगी डिटेल्स, तो आप देख सकते हैं, आप चूज़ कर सकते हैं कि किस टाइप का एक्सपीरियंस आपको लेना है। ये तो बात हो गई श्रीनगर की, पर अगर हम आगे की बात करें, जैसे अगर आप जा रहे हैं गुलमर्ग की तरफ, तो ठंड में अगर आप जा रहे हैं वहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया पीक पे होटल मिलेगा। हम दो साल से नीडोस करके एक होटल है वहाँ जा रहे हैं एंड बहुत ही बढ़िया फैसिलिटीज़ एंड ठंड के टाइम पर बहुत ज़रूरी है एक अच्छा होटल जहाँ पर आपको इंसुलेशन मिले, जहाँ पे आपके गीजर्स एंड आपका हीटर प्रॉपरली वर्क करे और सेंट्रल हीटिंग हो तो उससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। तो आप नीडोज में जा सकते हैं। हाई एंड अगर आपको एकदम लग्जूरियस फील पे जाना है तो आप खाइबर कंसिडर कर सकते हैं। वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंस्टाग्रामेबल प्लेस है खाइबर रिजॉर्ट। एंड उसी के साथ साथ अगर आप गुरेज वैली जा रहे हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको बहुत ही कमर्शलाइज्ड एयरबीएनबीज का कॉन्सेप्ट या होटल नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको होटल कम होम स्टेज मिलेंगे। तो आपको रूम और जो पूरी वॉर्म्थ होगी वही वुडन हाउसेज होंगे। खाना आप उसी के साथ पैकेज में लीजिएगा बिकॉज आपको वहाँ बहुत कैफेज नहीं है, एक कैफ़े आर्मी का, उसके अलावा छोटी मोटी तपरी है, तो रात के डिनर स्पेशली आपका इंपॉर्टेंट होगा। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखो, अदरवाइज स्टेज में आपको कैसे टाइप का एक्सपीरियंस चाहिए वो आप खुद चूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने पॉइंट पे, विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन इन कश्मीर। तो वेरियस टाइप के ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप शेयर्ड और लोकल टैक्सीज देखना चाहते हैं आपको ईजिली मिल जाएगा। बेसिकली कश्मीर घूमने का सबसे बड़ा फ़ायदा है कि श्रीनगर एक मिडिल पॉइंट है। आपको पहलगाम जाना है, आपको सोनमर्ग जाना है, आपको गुलमर्ग जाना है, आपको गुरेज जाना है, ये सारी जगह कश्मीर से ही होते हुए जाती है। तो आपको ईजिली श्रीनगर के अंदर ही बहुत सारे डिफरेंट टैक्सी यूनियंस के आपके फिक्स रेट्स होते हैं। आप प्राइवेट टैक्सीज भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जिनके साथ हम गए थे। आप शेयर टैक्सीज भी आपको, अगर आपको बारामुल्ला जाना है, कहीं भी जाना है, मेजर श्रीनगर के पॉइंट से मिल जाएगी। आपको कई जगह की बसेज भी मिल जाएगी, तो बहुत ही ईजी हो जाता है। एंड मैं रिकमेंड करूँगी कि आप एक कार ले लीजिए एंड या तो आप उनसे चार पाँच दिन का पूरा पैकेज बना लीजिए तो बेस्ट रहेगा, बिकॉज छोटी मोटी जगह अगर आपको जाना है अपने साइट सींग के बाद भी तो वो सारी कवर हो जाएगी। अदरवाइज यूजुअली साइट सींग के लिए होती है कार्स एंड देन वो आपको ड्रॉप कर देती है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है उनका फेयर का एंड टाइम ड्यूरेशन। इन सब चीज़ों पर आप डिसाइड कर सकते हैं अपना ट्रिप। बजट ट्रैवलर हो तो हर जगह की आपको शेयर्ड मिल जाएगी, बट अगर आप गुरेज जैसी जगह जा रहे हो एंड गुरेज तक आपको ईजिली शेयर्ड मिल जाएगी, बट उसके आगे आप वैलीज में जाना चाह रहे हो अगर LOC के करीब टुवर्ड्स चकवाली, तो फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाती है, कई बार आपको लिफ्ट भी लेनी पड़ सकती है। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना अगर आप शेयर्ड में जा रहे हो। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ फूड। तो कश्मीर में खाना नॉन वेजिटेरियन के साथ साथ वेजिटेरियन भी एक समस्या काफ़ी लोगों को रहती है। तो अगर आप श्रीनगर जैसी जगह पे है, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ढाबे मिल जाएंगे, जैसे कृष्णा ढाबा यहाँ का बहुत फेमस है। ये सारे ढाबे आपको प्योर वेजिटेरियन फूड तो देंगे, बट अगर आप एक लग्जरी डाइनिंग कुजीन सर्च मार रहे हैं वो भी 100% वेज,
तो थोड़ी प्रॉब्लम है। एंड जैसे आप जैसे जैसे वैलीज़ की तरफ जाते हैं, आपको रास्ते में टपरी मिल जाएगी, वहाँ पर आपको डिपेंडिंग अपने वेजिटेरियन फूड ऑप्शंस आपको हर जगह मिल जाएंगे, बट कुछ कुछ फेमस पॉइंट्स हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊँगी, अगर आप श्रीनगर में कैफ़ेज़ जाने में बड़े इंटरेस्टेड है, तो सबसे पहला कैफ़े है चाय जाए। बहुत ही ऑथेंटिक एंड बहुत ही सुंदर वे में बनाया हुआ है ये कैफ़े, आप बिल्कुल मत मिस करना अगर आप श्रीनगर जा रहे हैं। इसी के साथ आप 14th एवेन्यू कैफ़े भी है, जिसकी 2-3 ब्रांचेज है श्रीनगर में, वहाँ पर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कश्मीर में शॉपिंग की। तो भाई कश्मीर आए और यहाँ की शॉल, कढ़ाई के हुए कपड़े और ड्राई फ्रूट्स नहीं लिए तो क्या किया। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आप ड्राई फ्रूट्स कहाँ ले। मैं आपको एक ड्राई फ्रूट शॉप का गूगल मैप्स लोकेशन एंड नंबर दे दूँगी भैया का। मैं बता रही हूँ आपको, वहाँ पे आपको हर टाइप के ड्राई फ्रूट जो आपको कश्मीर में मिलते हैं, वो सारे बहुत ही रीजनेबल एंड हाई क्वालिटी में मिलेंगे। आप जाइए और ट्राई कीजिए, दल्ले के पास इनकी शॉप है। दूसरी चीज़, अगर आप ऑथेंटिक यहाँ के हैंडमेड वर्क के एम्ब्रॉयडर्ड, अगर आप शॉल या जैकेट या किसी भी टाइप की पश्मीना शॉल्स जो यहाँ की स्पेशलिटी, ये सारी चीज़ें देखना चाहते हैं, तो इनके लिए भी हम गए थे बेग फैमिली में, जो यहाँ की फेमस फैमिली है। आई मीन 5 जनरेशन से इनकी फैमिली वर्क कर रही है इस पर। सो बेसिकली ये लोग एम्ब्रॉयडरी वर्क करते हैं यहाँ पर। अगर आपको जानना है पूरी हिस्ट्री, तो वहाँ पर भी आप उनके घर पर जाके मिलिए उनसे, और घर पर ही उनकी शॉप भी है जहाँ पर आप ये सारी चीज़ें बहुत ही रीजनेबल रेट्स पे ले सकते हैं। हमने तो अपनी पसंद के पश्मीना शॉल एंड सूट के कपड़े ले लिए थे एंड कुछ कुर्ते भी ले लिए थे। अगर आप फिरन देख रहे हैं तो ये बेस्ट जगह है जाने के लिए। मार्केट्स में आप देख सकते हैं ऑब्वियसली, बट जो आपको क्वालिटी मिलेगी, जो आपको एक गारंटी कि ये हैंडवर्क है या मशीन वर्क, वो आपको सिर्फ वहीं जाके पता चलेगा। तो आप ऐसे ही बेग फैमिली में जाकर अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने वीडियो के नेक्स्ट सेक्शन में, विच इज़ कॉस्टिंग ऑफ गोइंग कश्मीर। सो कश्मीर बेसिकली आपको टूर पैकेजेस तो मिल ही जाएंगे, जो 40-50-60 हज़ार की रेंज में आपको पर पर्सन सारा घुमाना फिराना कर देंगे। तो मैं आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन रफ दे पाऊँगी, बिकॉज़ मैंने बहुत अलग अलग वे में ट्रिप की है। कभी हमने रोड ट्रिप की है, कभी हम डायरेक्टली फ़्लाइट से गए हैं, कभी हम वाया मनाली और ले के श्रीनगर से श्रीनगर पहुँचे हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हमने चूज़ किए हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ, आपकी जो फ़्लाइट्स होगी वो पीक सीज़न में तो भाई आराम से 18-20 हज़ार रुपये दिल्ली से हमें मिलती है रिटर्न। नॉन पीक सीजन्स में आपको, अगर आप जल्दी एडवांस में बुक कर ले, आपको 10-15 हज़ार या अंडर 10 भी पड़ जाती है, बट आप 10-15 इज़ अ स्वीट रेंज जो आप चूज़ कर सकते हो फ्लाइट्स। सेकेंड है स्टेज, आपको यहाँ पर 2-3 हज़ार तो लगेगा ही पर नाइट अगर आप देख रहे हो, एक मिनिमम अगर आप यहाँ पे स्टेज देख रहे हो, इस रेंज में आपको बढ़िया मिल जाएंगे। हॉस्टल्स आपको 1000-1500 की रेंज में मिल जाएंगे। हाउस बोट का रेंज 4-5 मिनिमम से शुरू होता है एंड 15,000 या 20,000 तक आपको बहुत बढ़िया हाउस बोट्स मिल जाते हैं। ये यूजुअली यहाँ का रेंज होता है। आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन के लिए पर डे आपको कैब की कॉस्ट रहती है 5,000 के आसपास, डिपेंड करता है आप सोनमर्ग जा रहे हैं, आप गुलमर्ग जा रहे हैं, ये सारी जगह के किलोमीटर वाइज अपनी कॉस्टिंग होती है। और अगर आप ऑटो से श्रीनगर पूरा दिन घूमना चाहते हैं, तो 2-2.5 हज़ार में आप पर डे ले सकते हैं, वो आपको सारे पॉइंट्स एक ही दिन में कवर करा देंगे। टैक्सी लेंगे तो 3.5-4 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे पर डे। ये आपको मैं मैक्सिमम रेंज बता रही हूँ। अगर आप गंडोला राइड कर रहे हैं, तो फेज़ वन की टिकट आपको 700 रुपये के आसपास की पड़ेगी और फेज़ टू की आपको पड़ेगी 1200 के अराउंड। तो इसको आप जितना जल्दी बुक कर ले, उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये सारे पॉइंटर्स थे जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी कश्मीर की कॉस्टिंग का एस्टिमेट निकालते हुए। बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको पर डे एंड पर ट्रिप वाइज दिए, तो जितनी सिटीज़ या जितनी वैलीज़ आप कवर कर रहे हैं, उस हिसाब से आप पूरी टोटल कॉस्टिंग अपनी ट्रिप की निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम प्लान करते हैं अपनी बोनस टिप्स के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, गुलमर्ग की जब भी आप गंडोला राइड्स बुक करो, तो मेक श्योर आप एटलीस्ट 15 दिन, और मैक्सिमम बेस्ट रहेगा अगर आपको अपने मनपसंद स्लॉट एंड टाइम चाहिए, 1 महीना पहले बुक करो। सो बेसिकली गंडोला राइड सारी एक ऑनलाइन वेबसाइट है, वहीं पे जाके आपको स्लॉट्स, टाइमिंग, पेमेंट सारा ऑनलाइन करना है। आपको कोई भी डीलर वहाँ नहीं मिलेगा, एजेंट वहाँ नहीं मिलेगा जो टिकट्स बेचेगा। बहुत डबल प्राइस पे कभी कभी मिलता है, वो भी फेज़ 1। फेज़ 2 की तो कोई टिकट्स देता भी नहीं है। तो आप ऑनलाइन एटलीस्ट 1 महीने पहले जब आप अपनी ट्रिप प्लान कर रहे हो, तभी से बुक कर लो अपनी डेट्स, बेस्ट रहेगा। सेकेंड चीज़, जब भी स्नो का टाइम हो, अपनी फ़्लाइट बुक कर रहे हो, तो कोशिश करो अगर पॉसिबल हो फ्लेक्सी बुक करो, बिकॉज बहुत बार श्रीनगर से फ़्लाइट स्नोफॉल की वजह से कैंसिल हो जाती है। मेरे साथ भी 2 बार हो चुका है। तो अगर आपकी फ़्लाइट्स फ्लेक्सिबल है एंड थोड़ा आपने बफर लेके अपनी कनेक्टिंग फ़्लाइट्स बुक करी है, तो बेटर रहेगा। अदरवाइज़ बहुत बार लोगों को 2-3 दिन तक रुकना पड़ा है वहाँ पर, क्योंकि फ़्लाइट्स नहीं वर्क करती है और सारे रास्ते बंद होते हैं वहाँ से जाने के। तीसरी चीज़, जब भी पीक टाइम होता है वहाँ पर जाने का, ट्राई करो अपना दिन थोड़ा सा जल्दी स्टार्ट करो,
बिकॉज ये जितने भी मुगल गार्डन्स एंड ऑल जितने भी ऐसे फेमस पॉइंट्स आपको श्रीनगर या आसपास मिलेंगे, लोग 9-10 बजे से शुरू करते हैं, तो अगर आप थोड़े से जल्दी उठ के घूम लोगे तो आप कम भीड़ में काफ़ी सारी जगह देख पाओगे। एंड दूसरी चीज़, अगर आपको होटल नहीं मिल रहे इस पीक सीजन के टाइम पे, तो JKDTC की वेबसाइट पर जाके चेक ज़रूर करना, आपको रीज़नेबल रेट्स पर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा सवाल कि कश्मीर सेफ है क्या नहीं, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है, और स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम कश्मीर गए थे, हम गए थे सेक्शन 370 की गर्मा गर्मी में, जब टूरिज़्म ऑलमोस्ट बंद था। खुद वहाँ के लोकल्स चाह रहे थे कि टूरिस्ट आए, पर टूरिस्ट डरे हुए थे कि क्या हम वहाँ सेफ़ फील करेंगे, क्या हम घूम पाएंगे, आधी से ज़्यादा जगह बंद थी, हम गए थे ठंड के टाइम पर। तो मैं आपको बता दूँ, कश्मीर में 5 बार जाने के बाद में, अपनी फैमिली फ्रेंड्स सोलो ट्रिप करने के बाद में, कश्मीर बिल्कुल सेफ़ जगह है। आप जिस तरह से लोगों को देखते हैं वैसे ही लोग आपको रेसिप्रोकेट करते हैं वहाँ पर। आपको वैसे आपको रोड्स पर नॉर्मली आर्मी नहीं दिखती है, पर श्रीनगर में आपको कई कई जगह पे आर्मी मिलेगी, बहुत सारे चेक पॉइंट्स मिलेंगे जब आप गुरेज या बंगस वैली जाते हो, बट आपको कभी भी लोकल्स के अंदर से वो वाइब नहीं आएगी कि वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं या कुछ भी। वो हमेशा टूरिस्ट को बिल्कुल बेस्ट वे में पॉसिबल ट्रीट करते हैं। वहाँ की हॉस्पिटैलिटी इतनी प्यारी होती है, जब भी हम होम स्टेज में रुकते हैं इतने वॉर्म्थ होता है यहाँ के लोगों में। मेरे तो बहुत सारे दोस्त श्रीनगर में रहते हैं, एंड मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि मैं वो सारी कल्चर फील कर पाई हूँ। और काश मैं बता पाऊँ लोगों को कि आप सीज़न में तो आते ही हो, बट कुछ ऑफ भी जगहें भी ट्राई कीजिए, एंड यहाँ के लोकल्स के साथ होम स्टेज में रुकिए, और वो पर्टिकुलर आइटनरी के पीछे भागने के बजाय कुछ ऐसे पॉइंट्स कवर कीजिए जो आपको सुकून थोड़ा ज़्यादा दे। ऐसे तो हर जगह ही बहुत सुंदर है वहाँ की। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो मेरी सारी पिछली कश्मीर की सीरीज़ देखना मत भूलेगा। मैंने अपनी वीडियो में अपना ट्रैफिक जैम पूरा समझा रखा है, आप गुलमर्ग जाएंगे, आप गुरेज जाएंगे, इन सब पर डिफरेंट वीडियोज़ बने हुए हैं, तो आप जाके देखिए। आई होप आपको पसंद आया होगा, एंड हम मिलते अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।